राम राम किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आज मैं आया हूँ एक मकान पे, आलीशान मकान पे, और देख सकते हैं ये महका सिंह जी का मकान है। और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो भाइयों, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा है। और ये इन्हीं का मकान है और बहुत ही अच्छी, मैं देखो मुस्कुराहट देखो बब्बा जी की। और मैं दिखा दूँ आपको, तो एक बार देख लो भाइयों, मकान बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है और अपने दिमाग से बनवाया है इन्होंने। ये देखो भाइयों, तो इनसे कुछ बातें करेंगे कब बना था। तो नमस्कार बाबा जी, राम राम जी। तो बाबा जी आपका शुभ नाम? और आपके पिताजी का नाम जी? अमर सिंह। अच्छा अच्छा, जो बाबा जी मकान है आपने अपने अंदाजे से बनाया था दिमाग से? अच्छा अच्छा, तो ये मिस्त्री कहाँ का था बनाने वाला? मोहने का। अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, तो रहन सहन यही का रखा फिलहाल है, घेर वेर सब यही है। देखो भाइयों बैठे हैं और मुझे काफी अच्छा लगा इनसे मिलके, और मैं कुछ बातें करूंगा तो वहाँ पे। तो आपका जी शुभ नाम? और आपके पिताजी का नाम जी? फूल सिंह। अच्छा अच्छा, और बब्बा जी आपका नाम? रोहतास सिंह। अच्छा, और आपके पिताजी का नाम? सतराज सिंह। अच्छा अच्छा, और भैया आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा अच्छा, और भैया आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम हुकम सिंह। अच्छा अच्छा, आप यहीं के हो? अच्छा अच्छा, और साथ में मेरे रामपाल जी भी हैं। और इनका क्या नाम है बब्बू जी, आपका क्या नाम है? श्याम सिंह। श्याम सिंह, अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, और ये बैठे हैं तो मैं इनसे बात करूंगा कुछ। तो जी मतलब फिलहाल खेती वगैरह करते होंगे? तो जमीन वगैरह कितनी बो रहे हैं अंकल जी? 50 के। अच्छा अच्छा, देखो 50 बीघे किसान है और अपना देखो किसान आदमी है। तो बेटे वगैरह कितने जी आपके, लड़के वगैरह? दो। अच्छा, अभी भी खेती करते हैं? अच्छा अच्छा, देखो भाई एक बार मैं दिखा दूं, ये बब्बू जी का मकान है, ये देख सकते हैं आप सभी। ये देखो भाइयों कितना तो बड़ा इनका घेर है, इधर इनकी लान काटने की मशीन है, ये देखो भाइयों। और मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर से भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो बाबू जी पशु वगैरह पाल रखे कितने हैं तकरीबन? 11-12। देखो भाइयों 11-12 एक पशु है इनके। तो दूध वगैरह दे रही है भैंस सारी? दूध दे रही है। अच्छा अच्छा, देखो घर का ही दूध है। और अब मैं दिखाऊंगा भी आपको, तो ये देख सकते हैं, ये देखो भाइयों, यहाँ पे इनका दुबार है, जैसे कोई आदमी आता है गांव का बाहर का, तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। ये देखो भाइयों, और देखो भाइयों बहुत ही बढ़िया है इनका रहन सहन, मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई थोड़ा सा मुझे ये भी दिखाइए पशु, आइए हाजी जी। आ जाओ रामपाल जी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो देखो एक भी आई है, और उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। चलो तो चलो, तो देख सकते हैं भाइयों, बब्बा जी मेरे गैल में ही है और ये इन्हीं का ही मकान है। और तो बब्बा जी कितने हैं तकरीबन, कितने पशु? 12। तो सारे दूध दे रहे हैं बिल्कुल? सारे ना, कुछ बच्चे हैं कुछ। अच्छा अच्छा, गाय वगैरह दूध दे रही है? अच्छा अच्छा, देखो भाई एक गाय है, इधर देख सकते हैं भैंस है, और देखो एक ये भी गाय है, और इधर झुट्टा है। देखो भाई कितने तो पशु है बब्बा जी के। और तो दूध वगैरह तो घर में रखते हो? घर में। अच्छा, सारा मतलब जैसे डेयरी वेरी पे देते हैं पशुओं का, अपना घर में ही बस? देखो भाई ये बहुत अच्छी बात है, और देखो रखना भी चाहिए अपना दूध, देखो अपने शरीर में लगे। देखो भाई साइड से होकर। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो भाई मैं दिखा दूं आपको, ये देख सकते हैं आप सभी, ये देखो भाइयों कितने पशु हैं इनके, ये देख सकते हैं भाइयों, ये देखो बब्बा जी मेरी गैल में ही है, ये देख सकते हैं भाइयों। तो मैं दिखा दूं, देखो इधर इन्होंने पानी पीने के लिए ट्वेल बना रखी है। अच्छा, इससे पीछे आपके खेत है क्या? चक है पूरा? तो मैं दिखा दूं, ये देखो भाइयों इनका चक है पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं आप सभी, इधर से भी एंट्री, ये अच्छा सारा का सारा, इधर से दिखा दूं मैं, तो देख सकते हैं भाइयों ये इनका चक है, सौर पर अच्छा इनका ये। तो तकरीबन कितने बीघा खेत होगा जी बब्बा जी, कितने बीघा खेत है ये? 20 बीघे का। अच्छा अच्छा, सॉरी की सॉरी। ये देखो भाइयों जहां तक देख रहे हैं वहां तक इनका चक है पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये यार वगैरह बो रखा है, तो पर इसमें ईंट बो रखी है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों यहाँ पे चक है और उधर साइड भी हो गए। अच्छा अच्छा, देखो भाइयों अपना किसान आदमी है और देखो मेहनत करते हैं सारे सारे खेती में। ये किनका ये? ये देखो भाइयों, ये भी इनका चक है पूरा का पूरा। और देखो मैं दिखाऊंगा आपको, तो चलते हैं इनके अंदर। तो देखो भाइयों ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये इनके पशु हो गए, देखो सवाल नसल की तो गाय है बब्बा जी की। ये देखो भाइयों, ये देख सकते हैं आप सभी, ये देखो भाइयों इधर बाथरूम वगैरह बना रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, मेंटेन कर रखा है। और ये देखो भाई टक्कर मारने को बेताब है, ये देख सकते हैं आप सभी, ये इनके पशु है और मैं दिखाऊंगा भी, और एक ट्रैक्टर भी है। तो बाबा जी ये ट्रैक्टर कौन सा है? तो कौन सा मॉडल है ये ट्रैक्टर का?
पांच बढ़िया काम कर रहा खेती में आज भी। अच्छा अच्छा तो आप तो चला लेते हो भाई ट्रैक्टर वगैरह चला लो। अच्छा अच्छा तो देखो भाई मैं दिखाऊंगा। और ये देखो ये कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। तो इधर से मैं कमरे दिखा दूं। पापा जी खुल रहे हैं ये बंद है कमरे वगैरह तो दिखा सको पापा जी खोल के। तो किसान भाइयों मैं आपको दिखा दूं कमरे वगैरह। ये देख सकते हैं देखो कितने अच्छे कमरे बना रखे हैं। ये देखो भाइयों बहुत बड़े तरीके से मेंटेन करा रखे हैं कमरे वगैरह भी और अच्छी तरीके से सजा रखे हैं। तो दूसरा कमरा भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखो बब्बा जी का हुक्का रखा है ये देख सकते हैं भाइयों। ये देखो भाइयों ये पे यहाँ पे एक हुक्का है और एक ट्रैक्टर है। तो बब्बा जी इधर से दिखा सकते हैं इधर खुल जाए ये भी कमरा है ना। मोबाइल को बंद करवा के थोड़ी देर कॉपीराइट आ जाएगा वो मोबाइल चला रखा उन्होंने। तो एक बार देख सकते हैं आप सभी। ये देखो भाई ये कमरा ये रहा और मैं दिखा दूं आपको। ये देखो भाइयों ये भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है इन्होंने और मेंटेन करा रखा है। और मैं तो ये कहता हूँ देखो भाइयों जो अपनी चीज है उसको अच्छी तरीके से सजा कर रखना चाहिए। बब्बा जी ने बहुत अच्छे तरीके से कमरे बनाए हैं हुए हैं ये। तो बब्बा जी ये बुग्गी है। अच्छा अच्छा देखो भाई ये बुग्गी है और इधर इधर भी क्या है स्टोर रूम होगा। अच्छा अच्छा देखो भाइयों ये बुग्गी है और अपना किसान आदमी है। तो बब्बा जी बैल वगैरह नहीं रख रखे आपने। अच्छा बैल वगैरह नहीं आपके। अच्छा अच्छा देख सकते हैं भाइयों ये इनकी चारा काटने की मशीन है इधर। ये देखो भाई इधर चारा काटने की है और इधर खोर है। देखो कितने तो पशु हैं इनके मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ट्रैक्टर दिखा दूं मैं आपको। ये देखो भाइयों तो बब्बा जी टायर वगैरह तो मिल गया इसके चेंज वगैरह करवाई नहीं दिखे आपने। अच्छा देखो भाइयों ये ट्रैक्टर है 735 में बढ़िया काम कर रहा हूँ खेती में। देखो 2005 मॉडल है थोड़ा सा ये देख लो ट्रैक्टर भाइयों। तो भी चप्पी लग रही इसमें स्टार्ट करके दिखा दो साहब। तो थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखा दो इसे ट्रैक्टर को। देखो भाइयों ट्रैक्टर है पापा जी के पास। ये देखो भाइयों दमदार आवाज ट्रैक्टर की बहुत बांधी ट्रैक्टर ने। ये देखो भाई दमदार आवाज है और बढ़िया है। देखो तो पापा जी चला लो ट्रैक्टर को चला लो ट्रैक्टर। अच्छा चला लो। देखो भाई ट्रैक्टर चला लेते हैं पापा जी और थोड़ा सा दिखा दो। बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है दमदार। ये कभी पहले आया करता था और आज भी देखो दमदार ट्रैक्टर है। ये देख सकते भाइयों सोरात का ट्रैक्टर 735 में। ये देखो भाइयों बढ़िया ट्रैक्टर है दमदार। तो देखो भाइयों बढ़िया ट्रैक्टर है। तो पापा जी जैसा आज तक आप यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर को आज तक कोई दिक्कत वगैरह आई ट्रैक्टर में? बड़े काम कर रहा है जब से। देखो बड़े काम कर रहा है। तो इसके अलावा और भी कोई ट्रैक्टर था आपके पास? हाँ मैं सीधा। अच्छा वो बेच दिया आपने। देखो भाई ये ट्रैक्टर है बस ये रखा हुआ है इन्होंने और बढ़िया ट्रैक्टर है। और देखो रंग भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है इसका। देखो ब्लू कलर में और व्हाइट कलर में। तो किसान भाई ये ट्रैक्टर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी नमस्कार जी। देखो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके और काफी अच्छे इंसान है ये। तो देख सकते हैं भाइयों सारे सारे बैठे हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर करना फैला देना ज्यादा ज्यादा हो सके। और आपका नाम क्या जी? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह और पिताजी का क्या नाम है जी? अमर सिंह। अच्छा अच्छा और क्या करते जी आप? अच्छा खेती करते हो आप भी? देखो भाइयों किसान आदमी है सारे के सारे। तो किसान भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर करना दबा के और मुझे काफी अच्छा लगा। और देखो सारे के सारे बैठे हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी नमस्कार जी।